Assalamu alaikum, welcome to another vlog. हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग सब? बाहर निकलते हैं थोड़ा, फिर इंशाल्लाह ऑन करते हैं गेम्स. आज हमारे साथ जो हैं फैजान और एजाज हैं. फैजान ड्यूटी पर हैं और एजाज जो हैं वो अपना जिक्सर 600 पर है. अच्छा जी, तो हम घर से निकल चुके हैं. मेरे ये अभी निकला एजाज, वो फैजान. अच्छा जी, तो ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग फ्यूलिंग करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं मुझे और कौन ज्वाइन करता है, तो फिर उसके बाद ट्रैक की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह. और आज जो है आप लोग मेरा मुंह अगर इस शीशे से देख सकें तो देख सकेंगे, अदरवाइज़ आज मैं सारा जो गेम है वो मोनो व्लॉग करने वाला हूँ. इंस्टा 360 से मैं पहले कर रहा था तो मैंने 3-4 कमेंट्स पढ़े, लोगों ने कहा कि गोप्रो से एडिट करें प्लीज़, तो आज जो है वो प्रॉपर गोप्रो लगाया हुआ है माइक की सेटिंग के साथ. उम्मीद है कि अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी. तो आज के जो टॉपिक है वो मुझे मैंने पिछले व्लॉग में अपने डाला था कि क्या जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, माशाल्लाह लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का. इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ, क्योंकि वैसे तो राइड होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए भी राइड के साथ साथ मैं कुछ व्लॉग्स बनाऊंगा ताकि आप लोग भी इंजॉय करें कि एक बाइकर की लाइफ क्या होती है और किस तरीके से राइड इंजॉय हो रही होती है. ठीक हो गया. ओके, सो आज के टॉपिक जो है वो मैंने दो सेलेक्ट किए हैं, एक कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था और एक एक्सीडेंट मेरा हुआ था बहुत मेजर, जिसकी वजह से मैं 3 महीने तक जो है वो बेड रेस्ट पर था. तो वो कैसे हुआ था वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और उसके अलावा अगर और टाइम मिला हमें तो मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि मैंने अपनी फ़र्स्ट हेवी बाइक कैसे ली. तो साथ रहिए और हम तेज अपनी वाइफ के साथ जाते हुए कह रहे हैं कि वाला मेरा माइक अंदर लगा हुआ है हेलमेट के, तो शायद बाहर का साउंड ना आ सके, लेकिन अंदर का आपको आई होप के अच्छा आ रहा होगा. ₹20 खुले हैं तेरे पास? ये ₹20 आयल क्या आ गए? अच्छा जी, तो एक और बंदा आने वाला था वो पहुंचा नहीं है, तो हम जो है वो निकलेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और टाइम कम है बाबा. दिस इज़ 5:15, सॉरी 5:20 काम है. चलो जी, तो निकलते हैं हम. तो बाइक विल स्टार्ट. चल रहा है. ओके गाइस, लेट्स गो. हाँ जी, ये पहला गियर हट चुका हूँ और ओके, तो कंटिन्यू. आज का टॉपिक जो हमारा था
उस पर आते हैं। लाइक जो आप लोगों ने मुझसे पूछना चाहा था, तो वो डिस्कस करता हूँ आज आपके साथ में। तो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले मैं बताता हूँ मेरा एक्सीडेंट जो मेजर हुआ था, जिसके लिए मैं 3 महीने तक बेड रेस्ट पर था। तो वो कैसे हुआ था? तो वो सीन ये था कि फ्राइडे की नाइट थी वो, दैट वाज लाइक 1 बज रहा था रात का ऑलमोस्ट, और हम लोग निकले थे राइड पर। तकरीबन मेरे साथ जो लोग थे वो 20 बाइकें थी मेरे साथ, और स्टंट्स करना मैं मतलब प्रो बनना शुरू हुआ था उन दिनों। सर्दियों की रात थी और निकले हुए थे हम लोग राइड करने। तो उस दिन जो है वो मैंने रोड पर इतनी व्हीली की थी, रात का टाइम था, रोड खाली पड़े हुए थे, तो इतनी व्हीली की थी मैंने उस दिन। तकरीबन मैं आपको एज अ काउंटिंग हिसाब बताऊं तो ऑलमोस्ट कुछ 300 व्हीली मैंने की होंगी उस दिन। मतलब सीधी बाइक चला ही नहीं रहा था, हर मोड़ हर टर्न पर रोड खाली थे तो मैं व्हीली कर रहा था। फिर ट्रैक पर पहुंचा तो वहां पर भी और बाइकर्स भी थे, तो वहां पर मैंने स्टंट्स किए। और अच्छा, उससे पहले मैं स्टॉप ही नहीं करता था, ठीक है, रोल ऑन स्टॉप भी उससे पहले मुझे नहीं आती थी, सिर्फ व्हीली आती थी, तो वो व्हीली ही कर रहा था मैं। तो व्हीली करते 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 और ऐसा हो गया था कि मेरा जो पिछला फुटरेस्ट होता है, जो बैक वाले बंदे के लिए बैठने के लिए होता है, तो व्हीली करने के लिए, स्टैंड व्हीली करने के लिए उस पर पाँव रखना पड़ता है और बैक पुश करके और बाइक को उठा के और स्टेबल करके चलाना पड़ता है। तो अब ऐसा था कि उसमें मैं पैर रख रख के बाइक को उठा रहा था सारा रास्ता, तो वो जो था वो वीक हो गया, कमज़ोर पड़ गया। अब कराची में एक जगह है छोटा बुखारी, जहाँ लाइन से रेस्टोरेंट से है, जहाँ पर डांडी चाय शाय और ये वे, तो वहाँ पर मैं स्ट्रीट है, कोई सोच नहीं सकता वहाँ पर हेवी बाइक को व्हीली करना, लेकिन मैंने कर लिया। मेरा सिग्नल खुल चुका है भाई, वो देख लें आप लोग। तो मैंने वहाँ व्हीली किया ना, एक अटैम्प्ट तो ठीक हुआ, फिर जब जाने के लिए वापसी में मैं दोबारा खड़ा हुआ हूँ बाइक के ऊपर, जैसे ही मैं खड़ा हुआ और बाइक उठने लगा और बस वो फुटरेस्ट जो था वो टूट गया। वो जैसे ही टूटा, बाइक आधा ऊपर था और जैसे ही मेरा फुटरेस्ट टूटा है तो मेरे हाथ से एक्सीलेटर और हो गया मजीद। लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आया और एक्सीलेटर जो था वो मुझसे और हो गया, बाइक को फॉर रन से उतले ऊपर पुल हुआ है और मैं नीचे, और जैसे ही नीचे मेरा पैर लगा है ज़मीन पर तो वो लगते ही 4 जगहों से फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, 4 जगहों से वो फ्रैक्चर हुआ है। और मुझे ब्लडिंग नहीं हुई, लाइक स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है, और 4 जगहों से मेरा बोन जो था वो एंकल की तरफ से, भाई इधर तो देख लो। ये देख रहे हैं भाई साहब को, सिग्नल यहाँ खुलवाया है और देखते हुए वहाँ से आ रहे हैं। अब मैंने हेलमेट पहना हुआ, मुझे तो साइड का देखेगा नहीं, उसको तो देखना चाहिए। खैर वेल, तो अब साइड ग्लास बज गया मेरा और भी काफ़ी सारी चीज़ें बच गई। वेल, तो दोबारा ये एक और एक्सीडेंट हो गया। अच्छा जी, तो ऐसा था कि 4 जगहों से एंगल मेरा टूटा है जैसे ही, पर बाइक मैंने गिरने नहीं दिया, पैर ज़मीन पे लगा, टूटा, ऊपर ही लटका रहा, बाइक को नीचे लैंड किया वापस। जब मैंने, अच्छा ये लेफ्ट लेग था मेरा, ठीक है, जो ब्रेक हुआ था जिसका एंगल, जैसे ही मैंने नीचे किया पैर रखा तो मेरा बाइक मेरे से खड़े खड़े गिर गई। अब सब लोग जमा हो गए, दोस्त भी साथ थे, खड़े हो ना, कहाँ से खड़ा हूँ, सब कूल डाउन हो जाओ, चिल करो, मेरा एंगल टूट चुका है।
एंकल टूट चुका था मेरा, खड़ा हो नहीं सकता था। तो एक मेरा फ्रेंड था, डॉक्टर था, वो वहाँ पर मौजूद था। उसने फौरन तो मेरे बोन्स को जो है वो फिक्स किया और उस पर अपना जैकेट उतार के उसने टाइट से बांध दिया। थोड़ी से ताल्लुकात और अच्छे थे तो हम लोग फौरन से वहाँ पहुँचे अपना सिविल हॉस्पिटल ट्रामा में। मैंने फ़र्स्ट एड लिया है। डॉक्टर्स का शेड्यूल जो था वो बहुत बिजी टफ जा रहा था, तो मैंने जो है वो अपना किसी से फोर्स लगा कर और अंगल सीरिया हॉस्पिटल है वहाँ सुबह के टाइम भरी हमने कर दिया। वहाँ पर अपना सुबह के टाइम पे हमने जो है वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और रात को ऑलमोस्ट जब ऑपरेशन से पहले मुझे इंजेक्शन लगा था तो मैं सो चुका था, बेहोश हो चुका था। और उसके बाद जो है वो जब होश आया तो रात का टाइम हो रहा था, तो मुझे बताया गया कि हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचे थे, 10 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और 10 बजे स्टार्ट होने के बाद जो है वो ऑपरेशन 6 घंटे चला था। क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि 4 जगहों से बोन फ्रैक्चर है। उन्होंने कहा, उन्होंने समझा था एक जगह से होगा, कर देंगे। जब खोला तो पता चला भाई ये सिस्टम है। खैर 6-7 घंटे का ऑपरेशन था और उसके बाद जब मैंने होश आया मुझे तो फिर ये देखने को मिला कि मेरे, अच्छा उस वक्त जो था बॉडी सोन हुई हुई थी, पता नहीं चला था कुछ। और जब जैसे जैसे बेहोशी की जो तारी थी वो ख़त्म होती गई तो फिर जो है अपना कहाँ था मैं, हाँ जैसे ही बेहोशी की तारी कम होती गई वैसे वैसे पेन उठता गया। खैर फिर बड़ी मैंने अपना आपको मोटिवेट किया है और रोया नहीं, लेकिन मैं मेरी आँख से एक आंसू नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा ये बस मेरी खुद की गलती थी। मुझे इतना पेन था, सारी जिंदगी का दर्द एक तरफ, मैं और भी बहुत बार गिरा हूँ, लेकिन जो ये पेन था मेरा, मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या पेन था। खैर तो बड़ा मैंने भाई उसको झेला था पेन को, और फिर जब सही होने लगा तो बाइक वगैरह मेरी सारी नीचे ही खड़ी हुई थी। खैर जब मैं सेट हुआ तो बाइक मैंने खुद सेट किया अपना, बाहर से सामान वगैरह मंगवाया, खुद उसका इंस्टॉलेशन वगैरह पूरा बाइक सेट किया। बाइक को इतना नहीं लगा था, लेकिन जो खड़े खड़े गिरी थी ना तो उसका जो क्लच बॉक्स अपना मैग्नेट कवर बॉक्स होता है वो टूट गया था, तो वो मंगवाना पड़ा था मुझे। और फिर उसके इंस्टॉलेशन के बाद फिर उस बाइक से थोड़ा दिल हट गया था। वो बाइक थी सुजुकी 600 2014 मॉडल या 14 मॉडल था। तो ब्लाइंड है, चल रहा है, दिख रहा है अपने, काउंटिंग दिख रही है। अच्छा, तो उस वक्त क्यों बंद हो गया था? अच्छा जी, तो ये था। फिर मैंने दूसरी बाइक ली, R6। R6 जब मैंने ली तो उस पे जो है मैंने व्हीली करना छोड़ दिया था। फिर मैंने स्टॉपी पर ध्यान दिया, और जब स्टॉपी पर ध्यान दिया तो फिर स्टॉपी में मैं प्रो हुआ। वाह भाई मजे हो रहे हैं। स्टॉपी पर मैंने ध्यान दिया और फिर स्टॉपी ही करता रहा। स्टॉपी पे मैं प्रो बन गया, रिकॉर्ड्स बनाए। R6 बहुत बुरी बाइक है स्टॉपी के लिए, लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैंने उसी पर रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान लॉन्गेस्ट रोल ऑन स्टॉपी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ और मैंने 3 महीने जो सरवाइव कैसे किया था वो तो मुझे और अल्लाह को पता है बहुत मुश्किल वक्त था वो, लेकिन गुजर गया।
अच्छा, और दूसरा टॉपिक जो था वो क्या था? दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, कि मैंने बाइक पहला कैसे लिया था। मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट जो व्लॉग बनेगा उसमें बताऊंगा मैं कि बाइक कैसा बना। अभी आपको विली दिखाते हैं। बिलो अच्छा, आपने एक इतफाक की बात नोटिस की कि जैसे ही टॉपिक हमारा एक ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है एक विली लग गया।